हाय सिस्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बात क्या है? ये इतनी सुंदर आवाज किसकी है? ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी बताइए। दो दिन दिखाई नहीं दी, गाँव गई थी क्या? घर वाले लड़का ढूंढ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये सच है या ये भी वहम है? आंटी, आप परेशान मत होइए, ये भी मेरा वहम है, ये मैं जानता हूँ। यहाँ मेरे सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है और इसे देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया है। इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसके बाल, ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी इसी वक्त इससे शादी कर लो। लेकिन क्या करें, ये वहम जो है, मुझे जो दिखता है वो आपको नहीं दिखता। मेरे कानों तो पहुंचने वाली इनकी प्यारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, ये सब वहम है। वहम में इतनी सुंदर लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमेशा इसी वहम में खोया रहूं। अरे भाई, ये कोई वहम नहीं है। तुम जिस सुंदर लड़की की बात कर रहे हो वो डॉक्टर प्रिया है। इतनी बार मैंने मरने की कोशिश की पर वो भगवान मुझे बचाता रहा। शायद इसी लड़की से मिलाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा। देखिए मिस्टर कार्तिक, कम से कम अब तो अपनी लाइफ को सीरियसली लीजिए। मैं भी तो माँ बाप सबसे दूर रहकर यहाँ काम कर रही हूँ ना, मुझे भी उनकी याद सताती है। देखिए, इस खाने में नमक और मिर्च सब कुछ कम है, टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हम कर भी क्या सकते हैं, एडजस्ट करके खाना पड़ता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, दोबारा आत्महत्या करने के बारे में मत सोचिए, खुशी के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। ठीक है डॉक्टर। गुड। अगर जब भी मेरा मूड खराब हुआ तो मैं आपसे मिल सकता हूँ? पर क्यों? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, लेकिन बार बार आकर मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वरना दूसरे पेशेंट को तकलीफ होगी। ठीक है। हाय डॉक्टर। हाय। लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है ना डॉक्टर। ऐसी लाइफ अगर हम गंवा दे तो वापस मिलती है? नहीं मिलती ना। आपने मुझे इसी तरह कभी समझाया क्यों नहीं? तुझे समझा कर तो मेरा दिमाग आधा हो गया। ठीक है, चलता हूँ डॉक्टर। देखो मेरे भाई, दोबारा यहाँ कभी मत आना, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से, दरवाजा भी खुला हुआ है। ठीक है डॉक्टर, चलता हूँ। 15 साल के सर्विस में मैंने ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा। सर, वो लोग मुझे कब से फॉलो कर रहे हैं? मुझे तो लगता है चोरों की कोई गैंग है। चलिए ना, उन्हें पकड़ते हैं और अच्छे से पिटाई करके पुलिस के हवाले करते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओए, सुबह सुबह पीकर आएगा जो तुझे वहीं मिला। कमाल है। We'll be right back.
मुझे लूटने आए थे, अब देखता हूँ अंदर कैसे आते हो तुम लोग। हाँ? हे कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ओ, लगता है मेरी तरह तुम लोगों ने भी नींद की गोलियां खाई हैं, इसलिए सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हो। नहीं, हम सब आत्माएं हैं। अच्छा, क्या कहा? आत्माएं हो? मतलब तुम भूत हो? हे भगवान बचा ले प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए। डार्लिंग डोंट वरी, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। आप लोग मुझसे झूठ कह रहे हैं ना? मैंने बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं, सारे भूत इंसान को मारने के लिए ही आते हैं। मुझे कराटे आते हैं और कुंग फू भी आता है। और हमें मैजिक आता है। प्लीज प्लीज, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो। देखो, हमारी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, इसलिए हम आत्माएं बन गए। तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद? हाँ, हम ना किसी को नजर आएंगे भी या नहीं ये सोचकर हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे। उसी समय हम सब एक दूसरे से मिले शंभुनाथ हॉस्पिटल में। ये लड़की कहाँ मिली? ये जब से मिली तब से रो रही है, इसका रोना सुन सुन के ये भी भूल गए कि कहाँ मिली थी। करेक्ट। हाँ, हमारी खुश नसीबी थी जो तुम्हें हम नजर आए, इसीलिए तुम्हारे पास चले आए। देखिए, मैं एक लड़की को चाहने लगा हूँ, इसलिए अब मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज चले जाइए, प्लीज। जब तक तुम हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते, हम सब तुम्हारे साथ ही रहकर तुम्हारी मदद करते रहेंगे। जैसे तुम हमारी इच्छाएं पूरी कर दोगे, हम चले जाएंगे। सर, मुझे कल तक का टाइम दीजिए ना, मैं आपको सोच के बता दूंगा। ओके डार्लिंग, नो प्रॉब्लम, टेक योर ओन टाइम। सब लोग, मेरे नाना जी कहा करते थे ये भूत लोग जो है ना, ये झाड़ू और चप्पल से बहुत डरते हैं। कहां चले गए सब लोग? बताओ कहां आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? पहले तो मुझे डरा रहे थे। ए डरपोक, क्या ढूंढ रहा है? जा जाके सो जा। अरे, मैं इन्हें यहां वहां ढूंढ रहा था और ये सब मेरे ही कमरे में। बेचारे, लगता है ये अच्छे भूत हैं।